हे गाइस, वेलकम बैक टू वंस अगेन अयाज ऑटो कस्टम। और अगेन आपके लेके आए हैं फोर्ड इंडिवर। ये मेरे कैरियर की वन ऑफ द बेस्ट इंटीरियर मॉडिफिकेशन है, क्योंकि इससे पहले जो आई थिंक मेरे हिसाब से इंडिया की ये दूसरी इंटीरियर मॉडिफिकेशन फोर्ड होगी। इससे पहले जो हमने करी वो इंडिया की फर्स्ट मॉडिफिकेशन थी, वो भी हमारे पास वीडियो पड़ी है। वो अब अगर आप कहोगे तो मैं लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी आप वॉच आउट कर लेना। और ये भी आप वॉच आउट करना, इसके लिए मैं लेके आया हूँ। मेरे ख्याल में आप सर्च करोगे अगर इंटीरियर की रिलेटेड, तो ऐसी वीडियो आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगी। या आप यूँ कहें, ये फर्स्ट टाइम इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट इंटीरियर मॉडिफिकेशन होने वाली है। और बाहर के हमने हैंडल वगैरह नहीं लगाए हैं, इस पर भी हमने कार्बन फाइबर वगैरह किया है, तो ये हमारी बाहर से रैप होनी है। तो जो मुझे रैप के बारे में कुछ पता नहीं, तो मैं उसमें इंटरफेयर भी नहीं करता। जो मुझे बेसिक चीज़ इंटीरियर से रिलेटेड हमारा वर्क होता है, जो हमें उसके बारे में मालूम है, तो वो मैं आपको शेयर करता हूँ। जो हमारा एक्सपीरियंस होता है, क्या अच्छा होता है क्या बुरा होता है, तो वो मैं आपको शेयर करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सटीरियर में जितना आपको पता होगा, ये सारा क्रोम में आता है। यहाँ पर भी क्रोम आता है, हैंडल भी आपको क्रोम आता है। तो इसको हमने किया है कार्बन फिनिश, एक पीस मैं निकाल के लेके हूँ, बाकी सारे हमने पैक कर दिया है। फिनिशिंग आप देख लें। और जिससे पहले जो आया था, मैंने वीडियो शॉर्ट वीडियो बनाई है, वो क्रोम पे, अगर डायरेक्ट आप क्रोम पे पियानो ब्लैक वगैरह करवाते हो तो इसका अलग प्रोसेस होता है। जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, मैं एक पेंटर हूँ जिसके नाते में बता रहा हूँ, इसका अलग प्रोसेस होता है। अदरवाइज आप अगर डायरेक्ट या पियानो ब्लैक कुछ करवा के पियानो ब्लैक करवाते हो तो ये क्रोम पे पकड़ नहीं होती है, उतनी पकड़ नहीं करता है, और कुछ दिन बाद पपड़ी बन के निकल जाता है, जिसमें इसमें पपड़ियाँ बनी थी और मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई। अनफॉर्चुनेटली मैं वो चीज़ नहीं दिखा रहे चाह रहा हूँ, क्योंकि ऐसा लगेगा कि हाँ मैं बेस्ट वर्क कर सकता हूँ या काम कर सकता हूँ, तो मैं वो चीज़ नहीं दिखा रहा हूँ। बट मैं आपको बता रहा हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है। तो ये सामने जितना ये अपना रैप होना है, तो ये मुझे रैप के बारे में कुछ अता पता नहीं है, तो उसमें ज़्यादा मैं इंटरफेयर नहीं करूँगा। मैं सीधा आपको इंटीरियर भी दिखाता हूँ कि जो इंटीरियर हमने किया है वो मैं आपको दिखाता हूँ। डोर की बात करेंगे, पूरा डोर ये जो हमारा आता है अपना बेज कलर में आता होगा। जो इंडिवा जिन लोगों के पास है उनको पता होगा, ये पूरा बेज कलर में आता है। इसको हम लोगों ने किया है ऑन कस्टमर डिमांड, फरारी रेड विद लेदर कोटिंग के साथ में। एक एक ग्रेन इसका हमने मेंटेन किया है, जैसा कि देखने को आपको मिला होगा। और ये आपको मैं वुडन पैनलिंग की बात करेंगे, तो ये अपना पूरा मेटेलिक सिल्वर आता है, ग्रे सिल्वर आता है। इसको हमने दिया है कार्बन फाइबर, कलर के अकॉर्डिंग हमने कार्बन फाइबर दिया है। और भी हमारे पास सेट्स से कार्बन फाइबर के अकॉर्डिंग, बट हम लोगों ने एक पीस लगा के पूरा मैच किया, उसके बाद लगा के रखा और देखा लुक कैसा आ रहा है। जब हमने इसको चेक कर लिया, हाँ ये ही इस पर सेट हो रहा है, तो इसको हमने कार्बन फाइबर किया है। डोर क्लॉथ हमने अमेरिकन आर्ट लेदर में दिया है, आर्टिफिशियल हमारे आर्ट लेदर हैं, और आर्ट लेदर है। डबल स्टिचिंग से हाईलाइट किया हुआ है रेड थ्रेड के साथ में, और फिनिशिंग में ओवरऑल आपको चेक करवा रहा हूँ। डोर आर्मरेस्ट जो है अपोल्ट्री, इसमें हमने कुशनिंग करी है, जैसा आपको देखने में एक्स्ट्रा कम्फर्ट के साथ में, तो ये आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल फिटमेंट वगैरह आप देख सकते हो, बिल्कुल अप टू मार्क फिटमेंट आपको देखने को मिलेगी। डबल स्टिचिंग से हमने हाईलाइट किया हुआ है रेड थ्रेड के साथ में। कार्बन फाइबर की फिनिशिंग आप देख सकते हो। ग्लास होल्डर हमने ब्लैक दिया है, क्योंकि ब्लैक का कुछ पार्ट बच नहीं रहा था। आपके पास एक और चॉइस है, जो हमारी प्रीवियस वीडियो है वो यहाँ पे हमने उसमें सी ब्राउन और ब्रिक रेड किया है, तो आप वो वीडियो देख सकते हो, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पे हमने ब्लैक किया हुआ है अपना ग्लास होल्डर की जगह, अब ब्लैक किया हुआ है क्योंकि यहाँ से पूरा थीम मिल रही। और अगर आपको कैसा लग रहा, आप अपना ओपिनियन ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में दें। डैशबोर्ड जो हम बात करेंगे, डैशबोर्ड की थोड़ी लंबी वीडियो बन जाएगी, अदरवाइज़ मैं इतनी लंबी वीडियो बनाता नहीं हूँ, शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ। बट अगर डिटेल में ऐसे मना लेंगे तो ऑडियंस इतना अट्रैक्ट नहीं होगी, तो मैं इसीलिए शॉर्ट ही वीडियो ज़्यादातर 10 मिनट का मेरा पर्पस होता है, 8 से 7, 10 हाइयर 10 मिनट की होती, ये थोड़ी लंबी हो जाएगी वीडियो। तो यहाँ पे जो पूरा ये डैशबोर्ड, ये हमने रैप किया हुआ है अमेरिकन आर्ट लेदर में। फिटिंग आप देख सकते हो, बिल्कुल अप टू मार्क फिटिंग देखने को मिलेगी। ये जो इसके बेसिकली पहले आता था, ये हमारा सी ब्राउन आता था, तो इसको हम लोग ने यहाँ पे अगर सी ब्राउन रखते एज इट इज़ स्टॉक वाला रखते, तो फिर वो थोड़ा ऑड सा लगता, क्योंकि सारा रेड हो जाता और ये सी ब्राउन होता, तो फिर वो मज़ा नहीं आता। तो पूरा हमने यहाँ पे अपना आर्ट लेदर से डबल स्टिचिंग से हाईलाइट किया है, बिल्कुल देख सकते हो आप हाईलाइट, जो स्टिचिंग है बिल्कुल एक्यूरेट सीधा देखने को बिल्कुल मिलेंगे, कहीं से टेढ़ी मेढ़ी नज़र नहीं आएगी आपको।
डैशबोर्ड की बात करेंगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे भी कार्बन फाइबर देखने को मिलेगा, फिनिशिंग क्वालिटी स्क्रैच रेसिस्टेंट कोटिंग के साथ में आपको देखने को मिलेगी। या अपना मैं मेरे पास वर्ड नहीं है इसकी, जो हमने इंटीरियर मॉडिफिकेशन किया है इसका, इस लेवल के किया है, मुझे खुद ही बिलीव नहीं हो पा रहा है कि ये हमने किया है। तो आप देख सकते हो बिल्कुल एक्यूरेट फिटमेंट के साथ में, फिनिशिंग के साथ में, बिल्कुल ओवरऑल रॉयल लुक देने की कोशिश करी है। और अपना लोअर पार्ट जो हमारा पूरा है, ये हमारा रेड कलर का रहने वाला है, फरारी रेड, और अपना लेदर कोटिंग के साथ में। वह ज़्यादा मैं आपको शॉर्ट ही में समझा देता हूँ, अंदर भी आपको रेड ही देखने को मिलेगा। मैं इंटी अंदर की आप एक बार चेकआउट कर लें। सेंटर कंसोल की जगह पे यहाँ पे अगर आपका लुक देखने को मिल रहा होगा, बिल्कुल रॉयल लुक देखने को मिल रहा होगा। मेरे को जैसा मैंने पहले कैमरे में लगा के देखा, शूट करके देखा, तो बिल्कुल मेरे को, अगर ओवरऑल सारा पार्ट की बात करें, मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद आया है, मुझे ये वाला लुक यहाँ का बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। लुक यहाँ पर अपना रेड पूरा हमने हाईलाइट कर दिया हुआ है अपना फरारी रेड लेदर कोटिंग के साथ में। ये जो कंसोल वाला पार्ट होता है, इसको भी हमने कार्बन फाइबर दे दिया है, और अंदर ये अपना एज इट इज़ क्रोम हमने रखा है, और ये भी हमने पूरा ब्लैक रखा हुआ, क्योंकि यहाँ पे यूजली ज़्यादातर क्या होता है, यहाँ पे गियर शिफ्टिंग का होता है, तो इसलिए हमने रखा। और ये जो हमने गियर नोब जो रेडी करी है, आपको जैसा लग रहा होगा कि ये स्टॉक है, लेकिन ये हमने रेडी करी है, और ये अपना आर्ट लेदर होती है, जो हम जो वी स्टेयरिंग बनाते हैं, ये तो हमारा आर्ट लेदर है। जो अदरवाइज जो हम दूसरी गाड़ियों में स्टेयरिंग बनाते हैं, वो वाला हमने स्पेशल फैब्रिक यूज़ किया हुआ इस पर। तो आपको फिनिशिंग आपको मैं चेकआउट करवाता हूँ, आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा ये गियर नोब हमने रेडी करी है या कोई लेदर कोटिंग करी है, आपको बिल्कुल एक्यूरेट फिटमेंट के साथ आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको कार्बन फाइबर, और नीचे भी आपको यहाँ पे डबल स्टिचिंग से आपको गियर नो अपना गियर बूट देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल आप फिनिशिंग चेकआउट कर लें। स्टेयरिंग दिखाने वाला, और स्टेयरिंग में मैं एक चीज़ और बताऊँगा, इस पर हमने पैडिंग करी हुई है, क्योंकि ये स्टेयरिंग की जो लेंथ अपना थिकनेस है बहुत पतली होती है, जैसा कि ऑडी BMW में आती, वो मैंने वीडियो शूट की हुई है, रखी है, लेकिन वीडियो बड़ी होने के कारण मैं वीडियो डाल नहीं सकता, क्योंकि उसमें बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो इस पर हमने पैडिंग करी हुई है, एक्स्ट्रा पैडिंग करके, जैसा BMW और ऑडी में स्टेयरिंग में पैडिंग होके आती है, उसको हमने इस पर पैडिंग करके फिर हमने इस पर स्टेयरिंग ये रेडी की, कस्टमाइज स्टेयरिंग बनाई है। और फिटिंग आप देखो तो डायमंड का डिज़ाइन डाले हुए हैं, हॉर्न पैड पे भी हमने पूरा अपना ब्रिक रेड किया हुआ है। यहाँ पे आपको फोर्ड का लोगो जो काफ़ी हाईलाइट कर रहा है, यहाँ पे आपके देखने को मिल जाएगा, जो यहाँ पे सिल्वर आता था यहाँ पे हमने कार्बन फिनिश कर दिया है, और ये हमने आर्ट लेदर में रेडी किया। अगर नापा में करते तो और पतली दिखती है, इसके हमने आर्ट लेदर में किया हुआ, आप देख लो एक बार चेकआउट कर लें। आर्मरेस्ट की बात करेंगे, आर्मरेस्ट हमारा फुली ऑन अपना फेरी रेड यानी फरारी रेड में रहने वाला है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं आपको देखने को मिलेगा, डबल स्टिचिंग से हाईलाइट किया हुआ है। अंदर भी मैं चेकआउट करवा देता हूँ, बिल्कुल एक्यूरेट फिटमेंट के अप टू मार्क फिटमेंट आपको देखने को मिलेगी। और रूफ अपना जो अपना यह थीम जो बन रही है, अगर मैं यहाँ से आपको दिखाऊँ, यहाँ से अगर मैं दिखाने को दिखाऊँ, तो ये अपना जो ऊपर की ब्लैक थीम थी, और नीचे अपना रेड कर दिया है, तो रेड एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। अब हम बात करेंगे सीट की, जो हमारी सबसे ज़्यादा इस पर हमारी मेहनत लगी है, सीटों पे लगी है, क्योंकि ये पीस हमें यहाँ पे बैट का लोगो, कस्टमर की चॉइस थी, बैट का लोगो हमने एम्ब्रॉयडरी कराया है, बहुत टाइम लगा है एम्ब्रॉयडरी कराने में, तो ये हमने बैट का लोगो लगाया है, और अपना आर्ट लेदर में हमने सीटें रेडी करी, पैटर्न हमने ओरिजिनल यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे हमने ब्लैक का स्ट्रिप दी हुई है पूरी, और विद परफोरेशन के साथ में, आपको ऐसा भी नहीं लग रहा होगा इसमें हमने परफोरेशन दिया हुआ है। तो दोस्तों आप देख सकते हो बिल्कुल ओवरऑल यहाँ पर हमने डबल स्टिचिंग दी हुई है, यहाँ पर भी डबल स्टिचिंग दी हुई है, कहीं पे परफोरेशन नहीं यूज़ किया है, सिर्फ साइडों हमने परफोरेशन यूज़ किया, जैसा कि ओरिजिनल में और साइड में परफोरेशन आता है। ये अपना सिंगल स्टिचिंग से हाईलाइट किया हुआ है, ये यहाँ पे डबल स्टिचिंग से हाईलाइट किया हुआ है, यहाँ पे भी डबल स्टिचिंग से हाईलाइट किया हुआ है। इसके जो प्लास्टिक के पार्ट, ये सॉरी अपना जो सीट के पार्ट होते हैं, ये भी बेसिकली हमारे बेज कलर के आते हैं, इसको भी हमने लेदर कोटिंग में किया हुआ है, दिया हुआ है विद लेदर कोटिंग के साथ में, यहाँ पे भी आपको लेदर कोटिंग के साथ में, इवन आपको यहाँ के जो हेडर्स के आते हैं बेच कर के पार्ट, उसको हमने दिया हुआ है रेड के साथ में। तो ओवरऑल मैं आपको चेकआउट करवाता हूँ यहाँ से पूरा।
ये पीछे का पार्ट की बात करेंगे तो ये हमने पूरा दिया हुआ है कार्बन फाइबर में और अपना हाई ग्लॉसी फिनिश के साथ में। ये पूरा पार्ट हमारा ब्लैक आता है, ये सिल्वर नहीं आता है, तो इसको हमने रेडी किया है, अपना कार्बन फिनिश दिया हुआ है। सीटों पीछे की सीटें मैं दिखा देता हूँ, बिल्कुल ओवरऑल मैं आपको लुक चेकआउट करवा दूँ। फिनिशिंग अप टू मार्क हुई है, फिनिशिंग नो डाउट कहीं से आपको 19-20 नज़र भी नहीं आने वाला। ये हमने फ्लैप लगाए हैं, इसका अंदर जो हमारा कारपेट है, क्योंकि वो बेज कलर का कारपेट आता है, तो और इस कारपेट को ढकने के लिए हमने फ्लैप लगाए हैं। बाकी ओवरऑल फिनिशिंग चेक कर लें, हेडरेस्ट की आप फिनिशिंग चेक कर लें। सीटें मैं आपको चेकआउट करवाता हूँ। यहाँ पे आपको साइड में परफोरेशन देखने को मिलेगा, ब्लैक जो स्ट्रिप दी हुई है, और ऊपर भी आपको परफोरेशन देखने को मिलेगा। ओवरऑल जैसे आपकी ओई स्टाइल की सीटें आती है वही देखने को मिलेगा। मैं सिर्फ आपको फिनिशिंग चेकआउट करवा रहा हूँ, रिंकल वगैरह चेकआउट करवा रहा हूँ, बाकी तो मुझे आगे की मैंने सीटें दिखा दी तो पीछे दिखाने का मतलब ही नहीं बनता है। आर्मरेस्ट मैं दिखा देता हूँ, ये अपना पूरा रेड किया हुआ है। अंदर का जो ये प्लास्टिक आता है ये हमारा पूरा ब्लैक था, बेज आता है, तो इसको भी हमने फरारी रेड किया हुआ। यहाँ तक के जितने भी पार्ट आते सारे हमने रेड किए। ओवरऑल जितना इसका बेज पार्ट था उसको हमने सारा रेड कर दिया है। मैं फिनिशिंग चेकआउट करवा देता हूँ, आर्मरेस्ट की एक बार फिनिशिंग चेकआउट कर लें। बिल्कुल एक्यूरेट फिटमेंट के साथ में अप टू मार्क फिनिशिंग देखने को मिलेगी। अंदर की डिक्की भी मैं आपको चेकआउट करवाता हूँ। यहाँ से पूरा हमने फरारी रेड में दिया हुआ है, ये जितने भी पिलर वगैरह हैं सारे हमने फ्राई रेड में किया हुआ, और एक बार थोड़ा रॉयल लुक देने की कोशिश करी है। आपको कैसा ओपिनियन है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना। ये हमने ब्लैक में हैंडल ब्लैक दिया हुआ है, और इधर से जो अपना पूरा यहाँ पे हमने रेड दिया हुआ है, और यहाँ से भी आपको पूरा रेड देखने को मिले। पीछे इधर आपको ब्लैक, आगे हमने अपना जो सीटों पर था वो हमने रेड दिया था, पीछे हमने ब्लैक दिया है, और जो डिक्की वाली सीटें होती वो हमने ब्लैक दिया हुआ है। पीछे कारपेट इसका ओरिजिनली रहता है। अगर हमारा वर्क अच्छा लगा हो, कैसा लगा आप कमेंट ज़रूर करना। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दो, और लाल बटन आ रहा होगा चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो सिर्फ अयाज ऑटो कस्टम पर मिलेंगी। थैंक यू।